वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद हम लोग वापस से अपना शेड्यूल रेगुलर बैच का शुरू करने वाले हैं। मुझे मालूम है इतने दिनों तक कुछ लोग, नए लोग जो जुड़े होंगे जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं की हैं, ठीक है, उनको माँ उनसे उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है आज पहली बार। और इस बीच में बीमार पड़ गया था जिसकी वजह से मैं कॉन्टिन्यूस क्लासेस आपकी नहीं ले पाया। खैर, आज मैं आपकी क्लासेस को कमेंस करने वाला हूँ, फिर से शुरू करने वाला हूँ, रिकनेक्ट करते हैं इसे और फिर से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, वेरी गुड। तो अभी आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, ताकि ये हमें मालूम हो जाए कि हम कितना लैग कर रहे हैं और आगे क्या है। सो देखिए, एंस हम लोगों ने इसे एनसीईआरटी फर्स्ट से चालू किया है। एनसीईआरटी फर्स्ट जो हमारी बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप सब लोग इंश्योर कर लें, जो लोग नए लोग जुड़े हैं वो भी इंश्योर कर लें कि उनकी एनसीईआरटी फर्स्ट बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी फर्स्ट में पहला जो चैप्टर था जिसका नाम था लिविंग वर्ड, हम लोग पढ़ चुके हैं। सो लिविंग वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, इनके वीडियोज आपके पास पड़े हुए हैं। तो जिन लोगों के पास भी ये टॉपिक नहीं है, जो आज मेरे साथ पहली बार बैठ रहे हैं, वो लिविंग वर्ड के वीडियोज देख लें, आपके ऐप पे पढ़े। फिर दूसरे नंबर पे हम लोगों ने एक चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी पढ़ रखा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर को भी हमने पढ़ रखा है। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी का, ये आप याद रखें। आज हमारे हिस्से में तीसरा चैप्टर लगा है जो आज हम शुरू करने वाले हैं, एंड दिस इज नोन एज प्लांट किंगडम। सो जो लोग भी आज पहले दिन बैठ रहे हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ड, हम लोग पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिटेल, और आज हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक प्लांट किंगडम है। इसके पहले कि मैं प्लांट किंगडम शुरू करूं, आपसे कुछ बातें मैं कर लेना चाहता हूं जो मैंने पहले बता रखी हैं। जो लोग भी नए जुड़े हैं उनको भी याद रहना चाहिए ये बात। पांच किंगडम, इस दुनिया में पांच किंगडम है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इन पांच किंगडम के हमने नाम जाने थे। नंबर 1 था मोनेरा, वेरी गुड। नंबर 2 था प्रोटिस्टा, ये भी हमने पढ़ रखा है, प्रोटिस्टा। नंबर 3 था फंजाई, ये हमने पढ़ रखा है, फंजाई भी पढ़ रखा है। नंबर 4 है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज प्लांट किंगडम। और नंबर 5 है एनिमल किंगडम। सो आप ये देख लें कि आपको पांच किंगडम के बारे में मालूम होना चाहिए। ये विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन के बारे में, एक साइंटिस्ट हुए हैं विटेकर, जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन के दौरान बताया था, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, सबको मिलाकर हमें पांच किंगडम बनाने हैं। मेरे साथ बोलिएगा, दीज आर नोन एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। अच्छा, ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों एक कोशिकी हैं, जिनके पास केवल एक कोशिका है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूनि सेलुलर। क्या बोलेंगे हम लोग? यूनि सेलुलर। बाकी बचे हुए तीन बेटा ग्रुप हैं, जिनमें से फंजाई, प्लांट और एनिमल हैं, ये हैं तीनों मल्टी सेलुलर, ये बहुकोशिकीय हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। तो हमारे पास कुछ लोग हैं जो एक कोशिकीय हैं, जिनकी पूरे शरीर में एक कोशिका है, वन सेल है, वो है मोनेरा और प्रोटिस्टा। बाकी सारे लोग फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये मल्टी सेलुलर है। अच्छा, यूनि सेलुलर में मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, मैं पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो पीछे वीडियो जाकर के देख लें कि मोनेरा क्या होता है, मैंने पढ़ा रखा है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक है। अब ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मैं पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो घबराइएगा मत, वीडियो देखने की बारी है।
अच्छा, मल्टी सेलुलर जितने लोग भी हैं सबके सब यूकैरियोटिक हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तरीके से डिफरेंट नहीं किया जा सकता। तो यूनिसेलुलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा हो गया, मल्टी सेलुलर में फंजाई, प्लांट और एनिमल हो गया। एक कोशिकी ये दोनों हैं, बहुकोशिकी है। एक कोशिकी में ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, बहुकोशिकी में सब के सब यूकैरियोटिक। अब इन तीनों को अलग अलग किया गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर। जैसे प्लांट है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक वो लोग होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। हाँ, मैं आपको बताता चलूं, फंजाई है हेटरोट्रॉपिक। अगर फंजाई हेटरोट्रॉपिक है तो एनिमल भी हेटरोट्रॉपिक है, जिनका पूरी तरीके का क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसके पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, आप सब लोगों को इतनी बातें आनी ही चाहिए। अगर इतनी बातें आ गई तो हम लोग आज अपना सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, और वो सिस्टम ये है। इस सिस्टम, इस किंगडम का नाम है प्लांट किंगडम। तो देखिए, प्लांट किंगडम से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं। पहली बात, प्लांट होते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी। दूसरी बात, प्लांट होते हैं यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। और तीसरी बात, उनको क्या करना आता है? फोटोसिंथेसिस, और इस वजह से वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। सो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लांट किंगडम। चलिए, तो एनसीईआरटी फर्स्ट में आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। लिविंग वर्ड पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, आज प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट किंगडम पढ़ने के पहले हमें मालूम होना चाहिए, विटेकर ने पांच किंगडम के नाम बताए। नंबर वन इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। मोनेरा प्रोटिस्टा एक कोशिकी थे, यूनिसेलुलर थे। इसके बाद मल्टी सेलुलर में फंजाई, प्लांट और एनिमल थे। फंजाई हेटरोट्रॉपिक था, एनिमल हेटरोट्रॉपिक था। बचता है प्लांट। प्लांट है बेटा, इट इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक। तो प्लांट किंगडम की हम लोग इसी तरीके से जानकारी लिखते हैं। प्लांट किंगडम के मेंबर होते हैं मल्टी सेलुलर। पहली बात, ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, जिनके पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुकोशिकीय है। सो मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा यूकैरियोटिक है, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। और तीसरी बात जो याद रखनी है प्लांट किंगडम के साथ, दे आर फोटोसिंथेटिक। ये अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कर लेने की वजह से इन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना लें, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते ही हमको एक बात यहां पर समझ में आएगी कि फोटोसिंथेसिस वही लोग कर पाते हैं जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं। तो याद रखना, यहां पर हम लोग ग्रीन प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, वो ग्रीन प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नाम का मटेरियल होता है। अगर बेटा ये हरित लवक या क्लोरोफिल नाम का मटेरियल है तो ये लोग फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, और फोटोसिंथेसिस कर लेंगे तो अपना खाना खुद बना लेंगे, और अगर अपना खाना खुद बना लेंगे तो इन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अच्छा, वन थिंग मोर, एक और चीज है जो आपको याद ही रखनी चाहिए कि सर इस प्लांट किंगडम में कौन कौन से लोग आएंगे। तो आपको लर्न करना पड़ेगा, प्लांट किंगडम के अंतर्गत पांच तरीके के लोग आते हैं। ये पांचों तरीके के लोगों के नाम मैं बताता हूं। नंबर वन इज एल्गी, यानी एल्गी भी प्लांट किंगडम का मेंबर है, पर याद रहे वो एल्गी होना चाहिए मल्टी सेलुलर। वैसे एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर एल्गी कभी भी प्लांट किंगडम में इंक्लूड नहीं होंगे। इसका मतलब एल्गी होना चाहिए मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, और हम सब जानते हैं एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो हम एल्गी के आगे लिख दे रहे हैं सारे एल्गी नहीं, केवल मल्टी सेलुलर एल्गी जो है, मल्टी सेलुलर एल्गी वही केवल ऑटोट्रॉपिक है, मल्टी सॉरी वही केवल प्लांट किंगडम के मेंबर है। एल्गी के बाद
दूसरा मेंबर आता है ब्रायोफाइटा, आप लोग याद रखेंगे, इट इज नोन एज ब्रायोफाइटा। तीसरा मेंबर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइटा। चौथा मेंबर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और पांचवा मेंबर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें कि प्लांट किंगडम में टोटल कितने प्रकार के प्राणियों को हमें पढ़ना है। सो आप अगर नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, पांच प्रकार के प्राणी हैं जिन्हें हमें प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ना है। पहला है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, ओके, चौथा है जिम्नोस्पर्म, पांचवा है एंजियोस्पर्म। तो हर हालत में आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि पांच लोग हैं जो प्लांट किंगडम में बढ़े। देखिए आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप तुरंत बात को बताइए, मैंने बोला क्या ये पांचों में, इन पांचों में ये बातें लागू होंगी? यस, ये पांचों के पांचों बहुकोशिकी हैं, चाहे वो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म हो, ये पांचों के पांचों यूकैरियोटिक हैं और ये पांचों के पांचों फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम प्लांट है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर एल्गी तो यूनिसेलुलर भी होता है। याद रखना, अगर एल्गी यूनिसेलुलर है, एल्गी अगर एक कोशिकी है, सो ये यूनिसेलुलर एल्गी कभी प्लांट का मेंबर नहीं होगा, ये प्रोटिस्टा नाम के किंगडम का मेंबर होगा। अगर कभी एल्गी आपको यूनिसेलुलर मिल जाए तो उसे प्लांट किंगडम में कभी मत रखिएगा। याद करिए, प्रोटिस्टा में जिन लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाए थे क्राइसोफाइटा यूनिसेलुलर एल्गी थे, डाइनोफ्लैजलेट वो भी यूनिसेलुलर एल्गी थे। तो एक कोष की एल्गी जितने भी होंगे वो प्रोटिस्टा में होंगे। तो मैं बार बार आपको स्ट्रेस कर रहा हूं, आप किताबें खोल कर रखिए और समझिए कि बहु कोष की एल्गी ही चलेगा, क्योंकि प्लांट किंगडम की पहली पहली जरूरत है कि ये बहु कोष की होना चाहिए। दूसरी जरूरत है ये यूकैरियोटिक होना चाहिए, मैं ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए। तीसरा, इन्हें फोटोसिंथेसिस करना चाहिए और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने चाहिए। खैर, इतना सब पढ़ने के बाद मैं आपसे कहूंगा दोबारा इस लिस्ट को देखिए, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। अब इन पांचों लोगों में से दुनिया में अकेला मेंबर है एनजीओस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग प्लांट कहलाता है। फ्लावरिंग प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म अकेले मेंबर है जिनके पास फ्लावर बनाने की क्षमता है। दे फ्लावर, इनमें फ्लावर नाम का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। बाकी एल्गी से लेकर जिम्नोस्पर्म तक, यानी कौन कौन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये इनकी जिंदगी में कभी भी फ्लावर नहीं बन सकते। तो अब आप एक बात सोच कर देखिए, अगर किसी भी पौधे में आपको फूल हुआ निकला हुआ दिख रहा तो आप जान जाओ ये पौधा एंजियोस्पर्मिक है। बाकी एल्गी में कभी फूल नहीं निकलेंगे, ब्रायोफाइटा में फूल नहीं निकलेंगे, टेडोफाइटा में फूल नहीं निकलेंगे, जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं निकलेंगे। पुष्प का होना, फूल का होना इस बात की गारंटी है कि वो पेटा ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट एंजियोस्पर्म है। सो बेसिकली हमें इन पांचों प्लांट को पढ़ना है। याद रखना, मैं ये पांचों प्लांट एक एक करके पढ़ाऊंगा। आप चैप्टर भी अगर ओपन करके देखें एक दो पेज पलट के, तो पेज पलटने पर यही पांचों लोग आपको एक एक करके मिलेंगे। पहले एल्गी मिलेगा, फिर ब्रायोफाइटा मिलेगा, फिर टेरिडोफाइटा मिलेगा, फिर जिम्नोस्पर्म मिलेगा, फिर एंजियोस्पर्म मिलेगा। पर चूंकि मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करता हूं, तो एनसीईआरटी ने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो के को थोड़ी देर के लिए रोका है, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर को रोक करके केवल एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करके सबसे पहले बता दिया। तो उन्होंने सबसे पहले एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन सिखाया है। सो मैं वही आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग पहले इसे समराइज करते हैं। प्लांट किंगडम के वो मेंबर, सारे के सारे मेंबर बहुकोशिकी होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इन मेंबर में से याद रखना पांच लोग हैं, एक है एल्गी, दूसरे हैं ब्रायोफाइटा, तीसरे हैं टेरिडोफाइटा, चौथे हैं जिम्नोस्पर्म, पांचवें
पांचवें है एंजियोस्पर्म, और आपकी बुक ने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म पहले पढ़ा दिया है, बस इसलिए मैं आपको एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिए, और पेज नंबर 29 जो कि आपका प्लांट किंगडम का पहला पेज है उसमें देखिए, यह वैसे ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं ये पूरे प्लांट किंगडम पे नहीं लागू होगा, ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म पे लागू होगा। एंड एंजियोस्पर्म इज नथिंग बट फ्लावरिंग प्लांट, ये वो प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावरी प्लांट का क्लासिफिकेशन आपकी बुक में पहले दिया। किसी एक फ्लावरिंग प्लांट की संरचना को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी फ्लावरिंग प्लांट की संरचना को देखोगे तो ये नॉर्मल प्लांट है जो आप जानते हो, इसको अंडरग्राउंड पार्ट पर जड़ें होंगी जिन्हें हम लोग बोलते हैं रूट, ग्राउंड के ऊपर वाले पोर्शन पर स्टेम होगा, ये आप जानते हो स्टेम होगा, इन स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होंगी लीफ, याद रखिएगा दीज आर लीफ। तो याद रखिए किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में ये तीन बातें हो गई, रूट स्टेम लीफ। रूट स्टेम लीफ के अलावा अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट में अगर आप कुछ और देखेंगे तो वो होगा फ्लावर, और एक ना एक दिन ये फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा, याद रखना फ्रूट, और इस फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होंगे सीड। सो देखिए किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की संरचना में छह मुख्य बातें, छह मुख्य पार्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। वन इज नोन एज रूट, अनदर वन इज नोन एज स्टेम, थर्ड इज नोन एज लीफ, इसके बाद फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। अब याद रखना है जो रूट स्टेम और लीफ है ये तीन स्ट्रक्चर है, इन तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, और जो फ्लावर फ्रूट और सीड है इन्हें हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के काम आने वाले स्ट्रक्चर, दोज आर नोन एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब मैं बोलूं मॉर्फोलॉजी में क्या क्या दिख रहा है तो आप मुझे बताएं मॉर्फोलॉजी में आपको क्या क्या दिख रहा है। मॉर्फोलॉजी में आपको दिख रहा है रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट और सीड, जिसमें से रूट स्टेम एंड लीफ ये है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, फिर से देख लो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और फ्लावर फ्रूट और सीड ये है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्लांट में मैं सारे प्लांट का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से बोल दूं मैं ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं ये एल्गी पर लागू नहीं होगा, फिर से बोल रहा हूं ये ब्रायोफाइटा पे लागू नहीं होगा, ये टेरिडोफाइटा पे नहीं लागू होगा, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं लागू होगा, ये जो क्लासिफिकेशन मैं आगे चल के पढ़ाने जा रहा हूं ये केवल एंजियोस्पर्म पे लागू होगा। कोई पूछे एंजियोस्पर्म की संरचना क्या है तो आप उसे इस तरीके की संरचना के बारे में बताएं कि किसी भी एंजियोस्पर्म में छह मेन बेटा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट सीड। ये रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट सीड सब के सब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अब आप बोलेंगे सर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर से दिखाई पड़ जाए, एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाई पड़ जाए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें हम लोग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो याद रखना मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में टोटल छह मुख्य बातें, रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट और सीड। इन छह स्ट्रक्चर को देख करके क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म किया गया, और एंजियोस्पर्म का जो पहला क्लासिफिकेशन है इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो अगर कोई पूछे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या एल्गी पर लागू होगा, नहीं लागू होगा,
क्या ब्रायोफाइटा पे लागू होगा? नहीं। टेरिडोफाइटा पे लागू होगा? नहीं। जिम्नोस्पर्म पे भी नहीं लागू होगा, एंजियोस्पर्म में नहीं लागू होगा। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये केवल और केवल अप्लाइड होगा एंजियोस्पर्म पे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई लीनियस, याद रखना ये लीनियस के द्वारा गया गया सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाई लीनियस, याद रखना इस सिस्टम में वी टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी, केवल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिर से सुनो, हम लोग केवल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम पर डिपेंड करेगा, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। यानी ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या तो वेजिटेटिव सिस्टम पर डिपेंड करेगा, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, और या तो बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। फिर से सुनो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर दो प्रकार के, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तुम वेजिटेटिव पे भी डिपेंड कर सकता है और रिप्रोडक्टिव पे भी डिपेंड कर सकता है, याद रखना। लेकिन इट टॉक अबाउट द फ्यू करेक्टर ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी में भी सारे करेक्टर के बारे में बात नहीं करता ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केवल एक या दो करेक्टर पर बात करता है, वन और टू करेक्टर। याद रखना एक या दो करेक्टर होंगे, और वो भी किससे होंगे? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से होंगे। वो रूट से हो सकते हैं, स्टेम से हो सकते हैं, लीफ से हो सकते हैं, फ्लावर से हो सकते हैं, फ्रूट से हो सकते हैं, सीड से हो सकते हैं। जैसे लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड्रूसियम पर डिपेंड था, एंड्रूसियम। लीनियस ने अपने पौधों का क्लासिफिकेशन एंड्रूसियम की बेसिस पे कर दिया। फिर से सुनो, इस दुनिया के जितने एंजियोस्पर्म थे उन सारे एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन लीनियस ने एंड्रूसियम की बेसिस पे कर दिया। अब बताओ एंड्रूसियम कैसा करेक्टर है? सर रिप्रोडक्टिव करेक्टर है। ओके, इस रिप्रोडक्टिव करेक्टर में भी ये किससे रिलेटेड है? सर फ्लावर से रिलेटेड है। इसका मतलब लीनियस ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फ्लावर के करेक्टर पर डिपेंड करके पूरा क्लासिफाई कर दिया। जैसे आप अगर भूले नहीं हो तो मैंने आपको अरिस्टोटल बताए थे, अरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन स्टेम के बेसिस पे कर दिया था, हर्ब श्रब्स और ट्री, याद होगा आपको। ठीक वैसे ही लीनियस ने अपना सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड्रूसियम की बेसिस पे कर दिया। तो कुछ बातें हैं जो आपको लर्न करनी ही चाहिए। पहला बात, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? लीनियस ने दिया, पहली बात। दूसरा, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किस पर डिपेंड है, किसके बेसिस पर, किस बात पर हम सारे पौधों को नहीं एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई कर रहे हैं? फ्रॉम द ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हम केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में भी किसकी बात कर रहे हैं? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर की बात कर रहे हैं, या तो वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव। लीनियस ने किसकी बात की थी? वेजिटेटिव की रिप्रोडक्टिव? सर लीनियस ने रिप्रोडक्टिव करेक्टर के बारे में बात की थी, और लोगों ने भी और क्लासिफाई किया गया है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन के जनक का नाम है लीनियस। लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन एंड्रूसियम की बेसिस पे कर दिया। उन्होंने बोल दिया एक एंड्रूसियम वाला, चार दो एंड्रूसियम वाले, तीन एंड्रूसियम वाले, दस एंड्रूसियम वाले पौधे, हर पौधे को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर क्लासिफाई कर दिया गया। अच्छा, ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, याद रखना। पहली प्रॉब्लम ये है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिव्स इक्वल वेटेज, टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स।
ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर को इक्वल वेटेज दे देता है, जबकि ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव करेक्टर ज्यादा अच्छे करेक्टर है। रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव, ज्यादा अच्छे करेक्टर है। दोनों को इक्वल वेटेज नहीं मिलना चाहिए था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहली ही बात में गड़बड़ करता है, वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बराबर का वेटेज दे देता है, बराबर कर देता है, और ये बात ठीक नहीं थी। इसलिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। दूसरा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में द क्लोज रिलेटेड स्पीसीजेस, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज गेट सेपरेटेड, वो दूर दूर हो गई। मान लीजिए कि दो स्पीसीज बहुत क्लोजली रिलेटेड है, दोनों स्पीसीज में एंड्रोसियम का नंबर अलग अलग है। मान लीजिए एक के पास एंड्रोसियम एक है और एक के पास एंड्रोसियम 10 है, लेकिन दोनों स्पीसीज बड़ी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, पर एंड्रोसियम की बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन हुआ तो एक एंड्रोसियम वाली स्पीसीज अलग रखी जाएगी और 10 एंड्रोसियम वाली स्पीसीज अलग रखी जाएगी। इसलिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, बाकी करेक्टर में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी लेकिन एंड्रोसियम की वजह से वो दूर दूर हो गए। इसलिए ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा चल नहीं पाया, यानी लीनियस का ये क्लासिफिकेशन बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। और इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद एक दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, दैट इज नोन एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे, दैट इज नोन एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो खैर, मैं अभी आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा के बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ चलता हूं। फिलहाल आप इतना ही सीखें और मुझे बताएं। मैं आपके एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा हूं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट नहीं है, बल्कि इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। और ये पढ़ाते वक्त मैंने बोला कि किसी भी एंजियोस्पर्म में पहले 6 करेक्टर दिख जाए, बोर्ड में नहीं है फिर भी दिखने चाहिए। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, जिसमें से रूट, स्टेम, लीफ है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, फ्लावर, फ्रूट, सीड है, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब मैंने बोला कि पहला सिस्टम है सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज गिवन बाय लीनियस। लीनियस साहब ने कहा कि इस सिस्टम में हम लोग वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरीके के करेक्टर ले सकते हैं, लेकिन लीनियस ने रिप्रोडक्टिव लिया और लीनियस ने एंड्रोसियम के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। याद रखना, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में भी हम सारे करेक्टर नहीं लेते कि रूट भी ले ले, स्टेम भी ले ले, फ्लावर भी ले ले, फ्रूट भी ले, कोई एक दो करेक्टर, जैसे कि उन्होंने केवल एंड्रोसियम लिया था। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर को, इसलिए फेल हो गया, जबकि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल नहीं है, रिप्रोडक्टिव बेटर है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हुआ ये कि भैया आप एक या दो करेक्टर के बेसिस में क्लासिफाई कर रहे थे, इस वजह से पास पास की स्पीसीज दूर चली गई। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज नोन एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला पॉइंट, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कही। अब थोड़ी देर रुक करके सोचिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की क्या बात थी? वो एक या दो करेक्टर लेते थे, एक या दो, और वो भी किससे? केवल मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी भगवान ने केवल नहीं बनाई, भगवान ने, नेचर ने हमें मॉर्फोलॉजी भी दी है, एनाटॉमी भी दी है, फाइटोकेमिस्ट्री भी दी है, केमिकल भी दी है, एम्ब्रियोलॉजी भी दी है। यानी नेचर ने हमें एक या दो करेक्टर नहीं दिए, हजारों करेक्टर दिए। इसका मतलब है नेचर हमें एक या दो करेक्टर नहीं, हजारों करेक्टर देती है। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो एक या दो करेक्टर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। याद रखना, बेंथम एंड हुकर का ये क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन नेचुरल एफिनिटीज। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अपॉन डिपेंड अपॉन नेचुरल एफिनिटीज, एंड नेचुरल एफिनिटीज मतलब मैनी कैरेक्टर्स। पहला अंतर देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में केवल एक या दो करेक्टर लेते थे, वो भी केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल एफिनिटीज पर डिपेंड करता है। भगवान ने, नेचर ने हमें जो जो करेक्टर दिए सब करेक्टर उठाओ, याद रखो, और एक करेक्टर मत उठाओ, मैनी करेक्टर उठाओ। इसका मतलब ये है, यू कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑफ मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे भी क्लासीफाई, मॉर्फोलॉजी के साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब है इनके बड़े बड़े अंदरूनी स्ट्रक्चर देखो। इसके अलावा एनाटमी, आप इनकी एनाटमी भी देखो। इसके अलावा फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो का मतलब प्लांट, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल, फाइटोकेमिस्ट्री भी देखो। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी, यानी वो पौधा कैसे डेवलप हुआ ये भी देखो, एटसेट्रा। इसका मतलब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम एक या दो करेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैनी करेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो दियर क्लासिफिकेशन डिपेंड्स सारे चीजों पर, मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटमी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी एटसेट्रा, बहुत सारे करेक्टर पर डिपेंड करता था। तो याद रखना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल क्यों है और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्यों है। आर्टिफिशियल का मतलब यह नहीं कि वहां प्लास्टिक के प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब है वहां पर हमने नेचर की बात नहीं मानी और हमने केवल मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। और यहां नेचुरल क्यों है, क्योंकि हमने यहां नेचर की बात मानी और एक साथ मैनी कैरेक्टर ले लिए, मॉर्फोलॉजी ले ली, अल्ट्रास्ट्रक्चर ले ली, एनाटमी ले ली, फाइटोकेमिस्ट्री ले ली, एम्ब्रियोलॉजी ले ली, एंड दैट्स व्हाई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मोर सक्सेसफुल, ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और इसको ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा गया। तो ये दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, दैट इज नोन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे खास बात थी और कमी थी कि इसमें इवोल्यूशन की बात नहीं थी। इवोल्यूशन का मतलब कौन पौधा पहले आया, कौन पौधा बाद में आया, यह बताया नहीं गया था। मॉर्फोलॉजी बताई गई थी, अल्ट्रास्ट्रक्चर बताया गया था, एनाटॉमी बताया गया था, फाइटोकेमिस्ट्री बताया गया था, एम्ब्रियोलॉजी बताया गया था, लेकिन बेटा इवोल्यूशन नहीं बताया गया था कि कौन पौधा किसके बाद आया। इसलिए हमारे पास तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आया। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थर्ड बेसिस। ये तीसरा बेसिस है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंड द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक शब्द फाइलोजेनी शब्द से लिया गया है, आप ये याद रखें, फाइलोजेनी। और व्हाट इज फाइलोजेनी, फाइलोजेनी इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पौधे में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर हम कह सकते हैं, आई एम सॉरी, इवोल्यूशनरी बेसिस की स्टडी की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आए एल्गी, एल्गी के बाद आए ब्रायो, और ब्रायो के बाद डिफरेंट प्लांट, और उन डिफरेंट प्लांट को हम लोग इवोल्यूशन नाम के चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग फाइलोजेनी, दैट इज नोन एज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे बाद में। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसे बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में साइंटिस्ट हैं एगलर एंड प्रेंटल, ये एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा, एगलर एंड प्रेंटल। इसके अलावा एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हचिंसन नाम के साइंटिस्ट ने भी दिया। तो एगलर प्रेंटल ने भी क्लासिफिकेशन बेटा फाइलोजेनेटिक बेसिस पर दिया है और हचिंसन ने भी दिया है। तो आप बोले व्हाट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ऑफ एंजियोस्पर्म डिपेंड अपॉन
अपॉन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वो क्लासिफिकेशन का सिस्टम जिसमें इवोल्यूशन की बात की जाए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। सो अभी आपके सामने तीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हुए। इट इज ओल्ड सिस्टमैटिक, ये पुराने तरीके थे क्लासिफिकेशन के। अभी नए तरीके भी डिस्कस किए गए हैं, मैं उन नए तरीकों को भी डिस्कस आपके सामने करता हूं। तो पहले आप लर्न करते जाइए। पहला सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा है फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले के बारे में बताइए किसने दिया था, लीनियस ने। मेरे साथ बोलिए, पहले किसने दिया था, लीनियस ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। तीसरा फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हचिंसन ने और एग्रर पेंडल ने। अच्छा, अब कैसे लर्न करेंगे तीनों को। फ्यू करेक्टर, वन और टू करेक्टर किसमें लेते थे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। केवल मॉर्फोलॉजी किसमें लेते थे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। मैनी करेक्टर किसमें लेते थे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री किसमें लेते थे, यस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। याद रखना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया, इट वॉज गिवन बाई, यस बताइए किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाई बेंथम एंड हुकर ने। अब तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेसिस पर है। एंड नाउ दिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एग्लर एंड प्रिंट। ये तीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम पौधों की नियो सिस्टमैटिक्स में जाते हैं। नियो सिस्टमैटिक, नियो सिस्टमैटिक्स। अब आप बोलेंगे नियो सिस्टमैटिक्स का मतलब है न्यू क्लासिफिकेशन, ये नए प्रकार के क्लासिफिकेशन है। पुराने क्लासिफिकेशन जो थे वो मैंने आपको अभी बताए, पुराने क्लासिफिकेशन मैंने तीन पढ़ाए, आर्टिफिशियल, नेचुरल और और फाइलोजेनेटिक। इसके बाद न्यू सिस्टमैटिक आई, न्यू क्लासिफिकेशन आए। और इन न्यू क्लासिफिकेशन में बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने तीन मेथड यूज किए हैं, जिसको नंबर में चार बोलूंगा। वो तीन थे, तीन के बाद चौथा, इट इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये भी नया तरीका है क्लासिफिकेशन का, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, इसके बाद पांचवा तरीका है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी और छठा तरीका है, इट इज नोन एज ओके कीमोटैक्सोनॉमी। तो याद रखिए, तीन आपने पहले पढ़ लिए, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। तीन अब पढ़ लेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। ये न्यू सिस्टमैटिक्स में आते हैं, क्लासिफाई करने का बेहतरीन तरीका है साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आइए हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ बातें आप सीख लें जो आपको आनी ही चाहिए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इट इज अ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन है बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड देयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से, कंप्यूटर का प्रयोग करके हम पौधों का क्लासिफिकेशन करें, दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखिए, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में न्यूमेरो शब्द आता है, नंबर। न्यूमेरिकल का मतलब ही होता है नंबर। ऐसी टैक्सोनॉमी जिस टैक्सोनॉमी में हम करैक्टर की बजाय नंबर की बात करें, हम करैक्टर डिस्कस करने की बजाय
करैक्टर के नंबर और कोड डिस्कस करें। तो कई बार लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को समझ नहीं पाते, तो मैं इतना ही बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड देयर सॉफ्टवेयर, एक पॉइंट याद करने के, ये आपको याद ही रखना चाहिए। इस टैक्सोनॉमी में हम वी टेक ऑल ऑब्जर्वेबल करैक्टर, ऑब्जर्वेबल करैक्टर, सारे करैक्टर को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हंड्रेड ऑफ करैक्टर, सैकड़ों करैक्टर एक साथ डिस्कस करते हैं। चलिए इसको पुराने वालों से जोड़ते हैं, कितनी बुद्धि है आपकी समझ में आ जाएगा। एक या दो करैक्टर आर्टिफिशियल, मैनी करैक्टर नेचुरल, सारे ऑब्जर्वेबल करैक्टर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर से, एक या दो करैक्टर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। इसके बाद मैनी करैक्टर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ऑल ऑब्जर्वेबल करैक्टर, हंड्रेड ऑफ करैक्टर एक साथ डिस्कस करें, इट इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास पौधे में क्या क्या करैक्टर थे, मान लीजिए करैक्टर में रूट था, करैक्टर में स्टेम था, करैक्टर में लीफ था, करैक्टर में फ्लावर था, करैक्टर में फ्रूट था, और इसी करैक्टर में एक सीड था। अब इतने सारे करैक्टर हैं, और इन करैक्टर की अपनी एनाटॉमी है, इनकी अपनी फाइटोकेमिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इन करैक्टर को हम लोग कोड्स दे रहे हैं, कोड्स। जैसे और रूट को हमने आर कोड दिया, लेट सपोज, जरूरी नहीं है कि आर ही दिया गया हो, मैं पहले से माफी मांग रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आर को आर नाम का करैक्टर दिया गया रूट में, तो हमने रूट को आर कोड भी दिया, स्टेम को एस दिया, लीफ को एल दिया, मान लीजिए फ्रूट को, फ्लावर को एफ एल दिया, और फ्रूट को एफ आर दिया, और सीड को एस दिया। तो हमने हर एक करैक्टर को कोड दे दिया। सो यहां पर अगर कभी भी एल लिखा हुआ पा जाओ, तो इसका मतलब है अब आप किस करैक्टर की बात करने जा रहे हो, एल फॉर लीफ। अब लीफ में कोई एक करैक्टर तो है नहीं, लीफ में भाई लीफ बेस भी है, लीफ में पिटियोल भी है, लीफ में लमाइना भी है। तो आप बताइए, लीफ बेस भी लीफ का करैक्टर है, लमाइना भी लीफ का करैक्टर है, पेटियोल भी लीफ का करैक्टर है, तो लीफ बेस को भी तुमने एल दिया, मान लीजिए एल वन दे दिया, तो एल का मतलब लीफ, लीफ का वन मतलब को पहला करेक्ट कोड। इसके बाद लमाइना को आपने बोल दिया एल टू, और पिटियोल को बोल दिया एल थ्री। तो बताइए, एल वन एल टू एल थ्री एक ही बात है कि अलग अलग? अलग अलग है, लेकिन वो तीनों एक ही स्ट्रक्चर से हैं। L मतलब लीफ, लीफ का पहला करैक्टर लीफ का दूसरा करैक्टर लीफ का तीसरा करैक्टर। इसका मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में वी असाइन, हम क्या असाइन करते हैं, वी असाइन नंबर एंड कोड्स, नंबर एंड कोड्स टू करैक्टर। करैक्टर को नंबर और कोड्स प्रोवाइड करते हैं। फिर से, जब हम नंबर और कोड्स प्रोवाइड कर देते हैं करैक्टर को, तो इन नंबर और कोड की बेसिस पर, इन कोड को हम लोग बेटा स्टोर करते हैं इन डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब है हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना करके इन सारे कोड और नंबर को कंप्यूटर के अंदर भर देते हैं, और फिर इन सारे करैक्टर को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यस, कंप्यूटर एक समय में 100 करैक्टर एक साथ एनालाइज कर सकता है, लीफ का एल करैक्टर, रूट का आर करैक्टर, फ्लावर का एफ एल करैक्टर, फ्रूट का एफ आर करैक्टर, एस एल का करैक्टर। अब किसी ने बोला L31A, इसका मतलब लीफ का तीसरा और ए करैक्टर, इसका मतलब हम लोग L31A में क्या डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कंप्यूटर ने आपके एक करैक्टर में लिख दिया L3A, इसका मतलब है
लीव के तीसरे करेक्टर का पहला सब कोई करेक्टर होगा, लेनी लीव का तीसरा करेक्टर क्या था, लीव के तीसरे करेक्टर में पिटियोल था, और पिटियोल का जो पहला मॉडिफिकेशन होगा वो हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक्चुअली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में वी नॉट टॉक अबाउट द करेक्टर, बल्कि करेक्टर की जगह हम नंबर और कोड्स को डिस्कस कर रहे हैं। चूंकि हम लोग नंबर और कोड्स को डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर एंड कोड्स, सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर एंड कोड्स। और नंबर और कोड्स को डिस्कस करने की वजह से इस टैक्सोनॉमी का नाम रखा गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बिना कंप्यूटर के हो ही नहीं सकती, और इसीलिए इस टैक्सोनॉमी को नियो टैक्सोनॉमी बोलते हैं, नई तरीके की टैक्सोनॉमी बोलते हैं। पुराने समय में तो कंप्यूटर था ही नहीं, तो पुराने समय पर हम लोग ये क्लासिफिकेशन पढ़ ही नहीं सकते थे। तो नए समय के जो बेटा करेक्टर हैं, इन नए समय के करेक्टर को ही हम लोग नए समय के क्लासिफिकेशन में हम लोग न्यू टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक प्रकार की टैक्सोनॉमी है जिसमें हम लोग नंबर एंड कोड्स की बात करते हैं। एक समय में सैकड़ों करेक्टर को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं, सारे ऑब्जर्वेबल करेक्टर एब्जॉर्व कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड देयर सॉफ्टवेयर। योगेश तुम्हें याद होना चाहिए मैं क्लास में हूं बेटा, 10 से 11, 11 से 12। ओके, सो दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हमने ये सब बातें कर ली। अगर आप लोग इतना सीख गए हैं तो आज हम लोगों ने चार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। ये चारों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको मालूम होने चाहिए। यस, पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और चौथा यस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अलावा हमारे पास दो टैक्सोनॉमी और बचती हैं, एक का नाम है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब होता है सेल, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। The classification of plants on the basis of cell and cellular structures, cell और cellular structure की basis पर अगर कोई classification किया जाए, सेल की बेसिस पर या सेलुलर स्ट्रक्चर की बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाए, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। फॉर एग्जांपल, वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, नंबर एंड स्ट्रक्चर। अगर पौधों को क्रोमोसोम नंबर और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया जाए तो ऐसा क्लासिफिकेशन कहलाता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मतलब सेल, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड सेलुलर स्ट्रक्चर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज नोन एज कीमोटैक्सोनॉमी। अच्छा, कीमोटैक्सोनॉमी बहुत डिटेल में आपकी बुक में नहीं दी गई है, लेकिन इतना तो तुम जानते ही हो कि कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। और याद रखना, प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल को हम लोग फाइटोकेमिकल बोलते हैं, फाइटोकेमिकल्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट और केमिकल का मतलब केमिकल। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फाइटोकेमिकल, दैट इज नोन एज कीमोटैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल की बेसिस पर पौधों का क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग प्रोटीन की बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम न्यूक्लिक एसिड की बेसिस पर क्लासिफाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हम रेजिन्स की बेसिस पर क्लासिफाई कर दें, लेटेक्स की बेसिस पर क्लासिफाई कर दें, एटसेट्रा। अगर हम केमिकल की बेसिस पर पौधों को क्लासिफाई कर दें, इट इज नोन एज कीमोटैक्सोनॉमी।
So basically, we have six types of main classification: artificial system of classification, natural system of classification, yes, phylogenetic basis of classification, numerical taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy. आप सबके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं और आप सब लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़िए. अगर कोई डाउट है तो आपके पास एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा. और एनसीईआरटी पढ़ के अगर कोई अंडरलाइन है तो उसका स्क्रीनशॉट खींच के आप उस लाइन का मतलब पूछने के लिए मुझे अंडरलाइन करके भेज दीजिए, मैं बता दूंगा. ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसके अलावा, वैसे तो आपके पास ग्रुप है, अगर और भी दिक्कत है, इट इज़ माई नंबर 9319055284. इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो. ओके, अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आंसर नहीं कर पा रहा था. अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, मैं दवा लेकर के ठीक हो रहा हूँ, तो अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो टेक केयर, गुड लक, बाय बाय.